तो गाइस आज 9 क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन बहुत लेंदी था समझ में से। इतना क्या समझना है, एक फिगर है ठीक है, ऐसा एक्स वाई एक लाइन है और एक्स 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 वाई सेम डैश लगा दिया ऊपर, एक्स वाई टू पैरेलल टेंजेंट। मैंने पहले भी बता रखा है क्वेश्चन में, टू पैरेलल टेंजेंट है ठीक है, और जा रहे हैं सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ दे रखा है एंड अनदर टेंजेंट ए बी, और एक ए बी एक टेंजेंट दे रखा है ठीक है, ए बी ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ठीक है। विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, और वो सी पॉइंट से कॉन्टेक्ट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये पॉइंट सी है, कोई दिक्कत। इंटरसेक्ट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई और प्रूव दैट ए ओ बी, यानी क्या हो गया ये क्या है ए ओ बी, ये हमारा प्रूव करना है 90 डिग्री होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सही होगा। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए गाइस पता क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने ठीक है, ये डॉटेड लाइन टेंजेंट हुआ, ये यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री बनता है, कोई दिक्कत। सॉरी स्टार्ट करते हैं, पहले गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये दिया हुआ है कि देखो एक्स एक्स वाई दे रखा है ठीक है, और जो जो चीज गिवन दे रखी है सब लिख देना है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गिवन लिख देना। दूसरा प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें दे रखा है ए ओ सी, एंगल ए ओ सी 90 डिग्री, कोई दिक्कत है, एंगल ए ओ सी 90 डिग्री। दूसरी बात क्या बोलते हैं, और ये देखो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा, कंस्ट्रक्शन यानी हमने ऐड क्या करा इस फिगर में, ए ओ सी को ओ सी को ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन के थ्रू कि तुम सॉल्व कैसे करोगे, अब क्या कहते हैं प्रूव करना है, तो लिखना प्रूव, प्रूव लिख दिया, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो दो ट्रायंगल लेंगे, ओ पी ए लिख देंगे एंड क्या करेंगे ओ सी ए लिख दिया ठीक है। अब इसमें दो ट्रायंगल ठीक है, इसमें देख ये ले लेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का इसमें कॉमन क्या है, ओ ए और ओ ए कॉमन है, तो यहां लिख देंगे कॉमन, पता है ना। और एक और साइड हो गया ए, ये क्या है पी ए और ए सी, पी ए और ए सी पिछले क्वेश्चन में बताया था ये टेंजेंट है तो इक्वल होगी, यहाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरी साइड क्या होगी कि ये दोनों रेडियस हैं, यानी ओ पी और इज इक्वल टू में ओ सी क्या है रेडियस, यानी दो तीनों साइड है तो क्या लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए, यही है ना, यानी इक्वल है ये दोनों साइड इक्वल। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है गाइस, देखो ये अगर 90 डिग्री है, इधर 90 बनेगा, इधर 90 बनेगा, तो मैंने क्या बोला था ट्रायंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, एक 90 डिग्री का हो गया, बाकी के दो साइड किससे होंगे, दो से डिवाइड करेंगे तो बाकी के दो साइड 45 45 के होंगे और एक 90, और तीनों को जोड़ेंगे तो 180 बनेगा। तो गाइस ये 45 ये भी 45 तो ये 45 हो गया, सेम इधर भी 90 बनता है, टेंजेंट है तो चाहे इधर 90 बने इधर बने, इधर भी बना 90 ठीक है। अब क्या होगा दो साइड क्या होगा 45 45 डिग्री का, 45 45 डिग्री का हो गया। अब बताओ ए ओ बी यानी एंगल ए ओ बी ठीक है, इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू में ए ओ बी लिखा ना, तो ए ओ के क्या लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी, पहले एंगल ए ओ सी कैसे बना, देखो ए ओ बी कैसे बना, ये पूरा एंगल कैसे बना, पहले ये बना फिर ये बना ना, ये एंगल तो पहले लिख देंगे ये एंगल ए ओ बी कैसे बना है, ए ओ सी से ए ओ सी प्लस में सी ओ बी, यही बना ना ये दो, तो ये क्या है 45, ये क्या है 45, ए ओ बी कितना, ए ओ बी कितना हो गया 45 45 90 डिग्री। ना समझिए मैं पीछे रिवर्स करके वीडियो देखना ठीक है, ये हमारा था और ये हमारा था, हो गया हेंस प्रूफ हमारा इक्वल हो चुका है, ये 45 ये 45, कोई दिक्कत है इसमें, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्वेश्चन तो आपके बुक में होगा, दैट्स इट।